सिंघू बॉर्डर से इस वक्त की अहम जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो लगातार जारी है। किसान आंदोलन खत्म होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर जो हलचल है वो इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें, थोड़ी देर में एसकेएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक जो है वो चल रही है। इसके पहले किसान नेता दर्शन पाल ने जिस तरह से बड़ा बयान दिया था, कहा था कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसानों का आंदोलन जो है वो आगे जारी रहेगा। और इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, और ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है कि आज जो लगातार आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो सकता है। किसान आंदोलन खत्म होने की जो संभावना है वो यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर एसकेएम की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक जारी है, और इसी बीच जो संभावना जताई जा रही है किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। माना जा रहा है कि किसानों की ओर से इस आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या किसान आंदोलन जो है वो आगे जारी रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा। और ऐसी भी खबरें मिल रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली है। केंद्र सरकार की तरफ से 6 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र मिला था। इस पर बैठक जो है वो लगातार की जा रही है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि किसान आंदोलन जो है वो आखिरकार खत्म हो जाए। तो सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। कुछ ही देर में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं इस बात की जो स्पष्ट बातें हैं वो सामने आ सकती हैं। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। किसान संगठनों ने 5 सदस्यों की जो कमेटी है वो भी बनाई थी, लेकिन पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो सरकार से जो बातचीत का न्योता है वो नहीं मिला। और आज ही सड़क खाली करने के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अब देखना होगा कि क्या घर वापसी किसानों की होती है या फिर नहीं। कैलेंडर पर जो तारीख है वो बदलती जा रही है। किसानों की घर वापसी का जो मुद्दा है वो इन तारीखों में स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर जो हलचल है वो तो तेज हो ही चुकी है। कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें इस बात की जो स्पष्टीकरण है वो सामने आई जाएगी कि क्या ये जो मोर्चा, ये जो आंदोलन चल रहा है वो लगातार रहेगा या फिर किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की सड़कों पर किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो चल रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर संजीव? जी बिल्कुल, जो किसानों की ओर से जो अपनी मांगे रखी गई थी, सूत्रों से पता चला है कि उन्हें एक लेटर मिला है और उनमें कुछ मांगे सरकार द्वारा मानी ली गई हैं, परंतु अभी जो मीटिंग चल रही है पूरी तरह से उसमें जो निर्णय होगा वो उसमें ही पता चल पाएगा कि किसान किस ओर अब अपना रुख करेंगे, वो घर वापसी की ओर जाएंगे या फिर अभी आंदोलन को और आगे चलाएंगे। ये अभी मीटिंग आज लगभग 1 बजे से मीटिंग चल रही है और वो कंटिन्यूअसली चालू है, अब उम्मीद है थोड़ी देर में मीटिंग समाप्त हो जाएगी। जी संजीव, जिस तरह से एक बैठक हुई थी 2 दिन पहले, उसमें किसानों ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, कमेटी के जो सदस्य हैं वो इंतजार करते रह गए कि सरकार का न्योता आएगा, लेकिन सरकार का किसी तरह का कोई न्योता जो है वो तो नहीं आया। वैसे तो अगर किसानों की मांगों की बात करें तो 6 मांगे जो हैं वो प्रमुख है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून या फिर किसानों से जो मुकदमे की वापसी है या फिर मृतक किसानों को मुआवजे देना है, इस पर क्या लगता है, किसी तरह का कोई समझौता बनता नजर आ रहा है? फिलहाल क्या कुछ जो संकेत है वो मिलते नजर आ रहे हैं जो बैठक चल रही है उसमें? जी, जो बैठक चल रही है वो गुप्त रूप से अभी अपनी बैठक कर रहे हैं, वहाँ पर मीडिया की कोई एंट्री नहीं है, मगर जो किसान बाहर हैं उनका यही कहना है कि हमारी जो मांगे थी वो हम अपनी मांगों पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं और हमारा सिर्फ नेतृत्व जो आदेश करेगा हम उसे ही मानेंगे। और जो किसानों की मांगे थी वो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में ही सामने रख दी थी, और 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अभी तक
कोई न्योता तो नहीं मिला है, परंतु सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें सूचना मिली है कि कोई लेटर किसानों को मिला है जिसमें कुछ मांगे मान ली गई हैं, और जो उनकी मुख्य मांग थी मुआवजे को लेकर, मुआवजे को लेकर अभी सरकार ने अपना कड़ा रुख नरम नहीं किया है। मुआवजे को लेकर सरकार स्पष्ट कह रही है कि अभी मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, बाकी मांगों पर हम विचार कर सकते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकार के साथ बातचीत की जो उम्मीद थी वो लगातार किसानों की ओर से की जा रही थी, और फिलहाल एक पत्र मिला है, देखना होगा कुछ ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो भी स्थिति है, जो भी तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएगी। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।